गुना में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा आकार ले रही है। इसकी ऊंचाई 111 फीट रहेगी। आपको बता दें कि प्रतिमा पूरा पोसर स्थित 150 फीट ऊंची पहाड़ी राम टेकरी पर स्थापित की जाएगी। राम टेकरी के हनुमान मंदिर के प्रोजेक्ट पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं यह 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, काम भी शुरू हो गया है। खास बात यह है, जिस दिन 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, उसी दिन गुना में भी इस काम की शुरुआत हुई थी। मंत्री ने बताया कि मंदिर की प्रेरणा उन्हें एक स्वप्न में मिली थी, उस समय उन्हें मंत्री पद भी नहीं मिला था। इसी से अभिभूत होकर पहले टेकरी पर लाइट का इंतजाम कराया था, इसके बाद भगवान राम की प्रतिमा लगाने का भी निर्णय लिया। तो वही पंचायत मंत्री ने बताया कि इसको तैयार होने के बाद टूरिज्म के नक्शे पर गुना का भी नाम आ जाएगा। इससे यहां टूरिज्म गतिविधियां भी बढ़ेंगी, इससे आर्थिक विकास भी होगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत राम टेकरी के आसपास हाट बाजार पंचवटी भी डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट में 3 साल से ज्यादा का समय लगेगा। वहीं वर्तमान में प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा जबलपुर के बागरी नगर में मां काली की है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। वहीं प्रोजेक्ट से जुड़े सदस्यों ने बताया कि ग्वालियर में मूर्ति कला केंद्र में मूर्तिकार प्रभात राय प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भगवान हनुमान की अष्ट धातु प्रतिमा भी बनाई थी। वहीं प्रोजेक्ट शुरू होते राम टेकरी पर भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्तमान में टेकरी मार्ग पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि प्रतिमा के लिए बेस बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं प्रतिमा के लिए करीब 20 फुट ऊंचा बेस बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।